सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भी रेलवे शेयरों को लेकर। हमारा जो शेयर है अभी वो देखो रेल विकास निगम लिमिटेड है, जो आज हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देते हुए नजर आया, जो कि अच्छी बात है। अभी हल्का फुल्का ऊपर आया हो लेकिन है पॉजिटिव, या फिर फ्लैट ओपनिंग क्लोजिंग रही है इसके। इसके साथ आप लोग देखो भी IRFC है, ये भी फ्लैट क्लोजिंग लिया है। और इरकॉन इंटरनेशनल, ये भी हमें लगभग 0.5% के आसपास गिरावट में आते हुए नजर आए, तो इसमें भी कुछ बड़ा फॉल नहीं हुआ है। साथ में हम डिस्कस करेंगे भी रेलटेल कॉरपोरेशन को लेकर, वहाँ पर भी खुशखबरी आई है। सबसे पहले देखोगे रेल विकास निगम लिमिटेड, इसमें आज हमें जो ना भी दोपहर में एक खबर आते हुए नजर आई थी, उस खबर के चलते स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला। एकदम से स्पाइक आया था ना अभी, लगभग 584 रुपये तक जो शेयर ऊपर में गया, फिर उसके बाद आप लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हुआ और ऊपर से जो शेयर वो फिर से नीचे आते हुए नजर आया। और लास्ट में जो क्लोजिंग हुई इसकी वो 577 के आसपास आप लोग देखोगे होते हुए नजर आई है। तो यहाँ से अब आगे कैसे क्या माहौल बनेंगे, खबर क्या थी? खबर ये थी कि कंपनी को 111 करोड़ का, जी 111 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला था। इस ऑर्डर के बाद स्टॉक एक्शन में रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो भी स्टॉक में जब ये खबर आई थी उसके बाद जो शेयर वो फटाक से तेजी दिखाया था, बट अगले थोड़े टाइम के बाद जो शेयर ऊपर से फिर से नीचे की तरफ आया। तो ये ऑर्डर कंपनी को मिला, साथ में रेलटेल कॉरपोरेशन को भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसकी वजह से स्टॉक में हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। साथ में आप लोग देखोगे भी एंटीक की तरफ से, तो आपने देखे होंगे भी इस शेयर को डाउनग्रेड किया गया है, क्योंकि आगे उनको जो ना भी वंदे भारत के अंदर भी स्कोप चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में जो वैल्यूएशंस हैं वो यहाँ पर एक्सपेंसिव इनको लग रही हैं। इन सब के चलते जो ना भी यहाँ पर आने वाले टाइम में जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन हैं उसमें देरी हो सकती है, तो इन सब के चलते यहाँ पर एंटीक बिल्कुल नेगेटिव इस शेयर को लेकर चल रहा है, ठीक। और 51% तक के जो ना भी नीचे में गिरावट के उन्होंने संकेत दिए हैं इस कंपनी के शेयर में, ठीक है। तो उनकी तरफ से, लेकिन अब हम आगे डिस्कस करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड में हमें क्या करना चाहिए। देखो अभी बहुत से निवेशक ऐसे जो शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में पैसा लगा रहे हैं, तो अभी के टाइम देखो, मैंने पीछे भी आपको एक ही बात बोली थी, खबरों के बेस पर अगर स्टॉक में अप डाउन का मूव बनता है बहुत अच्छी बात है भाई, अदरवाइज अगर देखा जाए तो फ्रेश एंट्री अगर आपको लेनी है तो ये शेयर 15% 20% अगर डाउन में मिल रहे हैं तो उस टाइम SIP स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एकदम से पैसा डालना अभी का टाइम जो है, ये मार्केट जो है इसमें ठीक नहीं है। मुझे को नहीं लगता कि अभी टाइम जो है आर्मिनल हो गया इस शेयर में एकदम से पैसा डालना चाहिए, जितने हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं 10,000 20,000 जो भी है, मांगे चलिए हम जो है 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि आर्मिनल में लगा दे पैसे, बट एकदम से पैसा डालना ये करंट टाइम ठीक नहीं है आर्मिनल के अंदर। तो इस ऑर्डर के बेस पर स्टॉक में अच्छा खासा मूव आया था भाई, उसके बाद स्टॉक फिर से उसी भाव में चला गया जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, या फिर फ्लैट इसकी क्लोजिंग रही। एक महीने में 4% 5% डाउन है, बट ये अभी के टाइम कंसोलिडेट कर रहा है, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो स्टॉक में एक अच्छा मूव आ सकता है, लेवल्स मैंने सुबह की वीडियो में आपको बता दिए थे, आप लोग जाकर देख सकते हो भाई। चलिए अब IRFC और इरकॉन इंटरनेशनल, इनके चार्ट वगैरह देखेंगे, और साथ में रेलटेल कॉरपोरेशन वहाँ पर क्या खबर है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो अभी रेलटेल कॉरपोरेशन ने भी एक नोटिस पब्लिश किया है 27 तारीख को आज के दिन, और BSE और NSE की साइट पर आप लोग इसका एक बार चेकआउट कर लेना जाकर भाई। तो यहाँ पर देखोगे इंटीमेशन रिगार्डिंग मेजर ऑर्डर सिक्योर्ड, तो कंपनी को एक मेजर ऑर्डर मिला है भाई, जो कि लगभग आप लोग 17,93,58,570 रुपये का है, जिसके अंदर आप लोग देखोगे टैक्सीज भी हैं। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट आया अभी, कंपनी को जो ईस्टर्न रेलवे वहाँ से ये वर्क ऑर्डर मिलते हुए नजर आया है। तो इस ऑर्डर के बाद ये स्टॉक भी हमें थोड़ा बहुत एक्शन में दिखाई दिया है। तो चलिए अब देखते भी आगे कैसे क्या लेवल वगैरह रहेंगे, इसके जो डिटेल जानकारी एक बार आप लोग यहाँ पर वीडियो को पोस्ट करके देख लेना। चलिए अब देख लेते भी इनके चार्ट वगैरह। तो जैसा कि देखोगे वनडे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक जो ट्रायंगल पैटर्न है वो यहाँ पर फॉर्म बनते हुए नजर आया है, और इसका ये ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है अभी वनडे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ से स्टॉक के चांस है एक अच्छा खासा अप मूव हमें ऊपर में देखने को मिल जाए भाई। तो यहाँ से अगर आप मूव आता है तो स्टॉक का जो पहला टारगेट रहेगा 198 का, और नीचे में सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोग सपोर्ट पे काम करना चाहते हैं तो 170 का सपोर्ट भी बन रहा है भाई। तो 170 का सपोर्ट और ऊपर में इसके 200 रुपये के आसपास आने के चांसेज है, और 200 को ब्रेक करके सस्टेन किया तो फिर से 220-230 वे लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस शेयर को अगर है होल्ड कीजिए, अगर खरीदारी करना चाहते हो तो स्टॉक आपको अच्छी खासी गिरावट में मिल रहा है भाई। तो यहाँ से हम इस शेयर को जहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं, और अभी टाइम गिरावट की अगर मैं बात करूँ तो 20% के ऊपर में ही गिरावट है भाई। तो इस शेयर के ऊपर आप अपनी नज़रें बनाए रख सकते हैं, SIP करना चाहो तो भी बेस्ट है।
सेम आप लोग अगला हमारा इरकॉन इंटरनेशनल है। इरकॉन भी अपने सपोर्ट के ऊपर ही जो अभी घूम रहा है। सपोर्ट इसका क्या है अभी 260 के और 263 के आसपास शेयर है। अगर 260 को नीचे में काटा तो इसमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है जो कि 250 240 के भी नीचे जा सकता है भाई। तो इसलिए यहाँ से अगर गिरावट बनती है तो मैंने आपको पहले भी ये बोला था SIP एकदम पैसा नहीं डालना है, SIP करनी है भाई। मान चलिए हमने इस लेवल पर स्टॉक में खरीदारी कर ली, बार बार में सपोर्ट एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट किया हुआ उसने और ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक एक अच्छा खासा फॉल भी दे सकता है नीचे में। फिर ये 230 रुपये के आसपास के भी मूव हमें दिखा सकता है नीचे में। तो SIP स्टार्ट कीजिए, अगर जाता है नीचे तो SIP करते रहेंगे भी 5-5, 10-10 जो भी हमसे होगा उस प्रकार से हम अपने जो भी इस क्वांटिटी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहेंगे। और स्टॉक में अगर अच्छा मूव आता है ऊपर की तरफ, एक अच्छा रैली देखने को मिलती है तो ये स्टॉक हमें ऊपर में 302 रुपये तक के भी मूव ऊपर में दिखा सकता है। तो इसलिए इस शेयर को होल्ड करना ठीक है भाई। इरकॉन इंटरनेशनल यहाँ पर बेचने का कोई बेनिफिट नहीं है अभी के टाइम, एक अच्छे खासे डीप में ये शेयर भी आया हुआ है तो यहाँ पर इसे हम कंसीडर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। लेकिन RVNL के ऊपर मैं नहीं कहूँगा कि उसके अंदर आपको एकदम से पैसा डालना चाहिए, उसके अंदर वेट करना चाहिए 25% डिस्काउंट पर भी अपने हाई से ये शेयर, ठीक है। चलिए अब रियलटेल और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो भी रियलटेल कॉरपोरेशन भी एक अच्छे खासे गिरावट में हमें दिखाई दे रहे हैं तो इस शेयर को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। बट सेम सिचुएशन रहेगी भी, एकदम से पैसा न डालकर इसके अंदर भी हम जो है अभी SIP कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला भी ट्रायंगल पैटर्न का, इस लेवल पर भी हमें ब्रेकआउट आते हुए नजर आए हैं और इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक का चांस रहेंगे अभी ऊपर में लगभग 521 रुपये के आसपास जाने के। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर सपोर्ट आप लोग देखोगे तो 489 का सपोर्ट ठीक है, 10 रुपये नीचे में सपोर्ट के पकड़ के चलेंगे और ऊपर में चांसेस है इस खबर के बाद जो शेयर ऊपर में आपको मे बी जो है अभी 521 रुपये के आसपास के मूव ऊपर में दिखा पाए, ठीक है। तो ये इसके अलावा रहेंगे। इसके अलावा कुछ पूछना है तो भाई कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।